बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर ए डॉट बी क्रॉस ए, यही है ना बेटा? देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यस सर, यस सर, यस सर। बेटा इसका आंसर जीरो होगा। अब आंसर क्यों जीरो होगा ध्यान से समझना आप। जो बी क्रॉस ए होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर बी के भी होती है और परपेंडिकुलर ए के भी होती है, मालूम है ना आपको? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, मैंने आपको थंब रूल बताया हुआ। जैसे ये एक वेक्टर है, जिसको नहीं पता देख लो, इस पूरी शीट के साथ साथ आपकी डिवीजन भी हो जाएगी वेक्टर्स की। अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ बी क्रॉस ए, तो अपने थंब रूल से आप चेक करो, बी से ए अपने हाथों को घुमाओ तो थंब अंदर की तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर इनवर्ट। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। अब मुझे करना है डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है एक ऐसे वेक्टर के साथ जो ए के परपेंडिकुलर है। मान लो ये वेक्टर सी बन गया, लेट ये वेक्टर सी बन गया। अब ए और सी आपस में परपेंडिकुलर है और डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर में क्या होता है बेटा? जीरो। ऐसे भी अगर आपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा, जब वॉइस नहीं आ रही थी हमने छोटा सा लेक्चर लिया था फिर छोड़ दिया था, तब मैंने आपको बताया था ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग कौन बताएगा क्या था? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललो पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप या क्यूबॉइड, याद है? यस सर। अगर मुझे कोई, यस सर, अगर मुझे कोई क्यूबॉइड बनाना है तो तीनों वेक्टर में कोई ना कोई एंगल होना चाहिए, तभी वो क्यूबॉइड बनेगा, तभी आप उसका वॉल्यूम निकाल पाओगे। लेकिन अगर उनमें से दो वेक्टर ही सेम हो तो फिर तो क्यूबॉइड बनेगा ही नहीं, दो वेक्टर तो पैरेलल हो गए, तीसरा वेक्टर ये हो गया, फिर तो कोई प्लेन बन सकता है, क्यूब नहीं बन सकता। तो फिर हम किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या कहेंगे? जीरो। जब भी ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में एक वेक्टर रिपीट हो रहा हो तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर जीरो होगा। ये मैंने उस दिन बताया भी था, उसके बाद नेटवर्क इशू हुआ तो हमने लेक्चर को छोड़ दिया था बीच में। तो क्या क्वेश्चन नंबर वन क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर टू, जिसके पास है स्टेटमेंट पढ़ना बेटा टू की एक बार। Given Q is the angle between vector A and vector B. थीटा कर लो, Q को थीटा कर लो। अब पढ़ो, okay. अब पढ़ो। Given theta is the angle between vector A and vector B. Then cross product of A and B is equal to. A cap होगा देखो। Yes sir, A cap is. इसका भी modulus होगा। तो cross product का magnitude क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, इस यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड वन होता है, तो आपका बेटा आंसर आएगा साइन थीटा। साइन थीटा। अपने आंसर बनाते जाना और बाद में मुझे बताना लास्ट में ग्रुप के अंदर जितने भी डाउट्स हो जाएंगे वन आवर में, फटाफट ले रहा हूँ, फिर आप मुझे बताना आपके कितने करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ दो बेटा, फटाफट पढ़ दो। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पी एंड क्यू इज इक्वल टू जीरो, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पी एंड क्यू इज। इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं दिया हुआ सर, मॉड्यूलस में। हाँ मैग्नीट्यूड, देखो डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब वेक्टर पी परपेंडिकुलर टू वेक्टर क्यू हो, मतलब एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी का मैग्नीट्यूड
क्यू का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 90, थीटा तो वही रहेंगे ना, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो इसका आंसर आएगा बेटा ये वाला, देख लो कौन सा आंसर है इसका। फर्स्ट ये आंसर है इसका, फर्स्ट ऑप्शन है। हाँ समझ में आ रहा है ना, जान नहीं आए पूछ लेना। सर एक बार थर्ड क्वेश्चन रिपीट कर दो। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब दोनों वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हो, इसका मतलब एंगल इज 90 डिग्री। फिर पूछा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताओ, वो क्या होता है, वेक्टर ए या वेक्टर बी वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंगल कितना है 90, अब साइन 90 1 होता है, तो आपका आंसर क्या बचेगा, ये आंसर इज ए। चले नेक्स्ट शीट पे। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ दो। गिवन वेक्टर सी इज इक्वल टू ए वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये मैंने आपके नोट्स में आपको लिखवाया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर सेपरेटली। अब क्रॉस प्रोडक्ट को इसने सी ले लिया, तो सी किसके परपेंडिकुलर होगा, ए के बी, और सी किसके परपेंडिकुलर होगा, बी के बी, आंसर इज 90 डिग्री, सी आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी सी। नेक्स्ट पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। वेक्टर पी इज इक्वल टू वेक्टर पी इज इक्वल टू टू आई कैप ए माइनस 3 जे कैप ए प्लस के कैप ए एंड वेक्टर क्यू इज इक्वल टू ए 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप 0 के कैप, नहीं है तो 0 लगा लो। आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना ना इसका। यस सर। इसका आंसर रॉन्ग है, इसमें मतलब कोई आंसर मैच नहीं कर रहा सर, इसका आंसर मेरा आ रहा है 12, और आपके चारों ऑप्शन में 12 नहीं है सर, फिर जगह पे यस सर 12 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 12 है सर, 12 भी आ रहा है मेरे, 12 भी आ रहा है। हां आप अपना आ रहा है, आपने आपका एक ऑप्शन 2 है, उसको खुद ही 12 बना के टिक कर लो, एक ऑप्शन 2 दिया हुआ है ना बेटा, उसी को yes. बना लो मिस प्रिंटिंग सर। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, शाबाश फटाफट बोलते जाओ। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे। ओके एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट रूट टू, देखो कोई ऑप्शन मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर ए एंड बी, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैन नॉट बी, ए कैप है या ए ए वेक्टर क्रॉस सर, वेक्टर वेक्टर दिया हुआ है। ओके 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 ओके, हमें मैग्नीट्यूड है ए एंड बी। हाँ ए बी है ना, हमें पता है ए बी साइन थीटा होता है वैसे, और साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, इसका मतलब ए क्रॉस बी की वैल्यू भी अगर इसको 1 से बड़ी नहीं करेंगे तो लेस देन इक्वल टू ए बी होगा, मतलब इट इज नेवर ग्रेटर देन ए बी, ये ए बी से बड़ा नहीं हो सकता, ए बी के बराबर भी तभी होगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। सर एक बार दोबारा बताना सर। बेटा किसी भी
किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा होता है, ये तो मालूम है ना? यस सर, साइन थीटा। तो एक मिनट अश्विनी, मैं अभी होल्ड रख देता हूं। हेलो, ए बी साइन थीटा होता है ना बेटा, और साइन थीटा की वैल्यू वन से बड़ी नहीं होती, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, श्योर है ना? यस। तो फिर आप ऑप्शन में देखो कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है मेरे इस बात। आपसे क्या पूछा, आपसे क्या पूछा गया? नॉट ग्रेटर क्या, जो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो डी ऑप्शन चेक करो। बेटा ये समझ में आ गया क्या आपको? यस सर, यस सर, यस सर। रेट क्या हो फटाफट? वेक्टर पी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आगे इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू पी इक्वल टू ए प्लस बी। ये अलग से स्टेटमेंट है? यस सर, सर एक अलग है। ये ऐसे है ना, आगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ओके, देखो ये तो रिजल्टेंट लिखा हुआ है, रिजल्टेंट का लगा सीधा हो जाए। रिजल्टेंट आप कैसे करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर आप इसका भी पी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं सारी शीट इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि आप अपना मेथड भी चेक कर ले कहीं आपने मिस्टेक ना किए। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है, देखो थीटा 60 डिग्री होगा, 1 आ रही है। तो कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन, ये समझ में आ गया सबको? Yes sir. Yes sir. Question number 9. Vector R. Vector R is equal to 4 j cap. Vector P is equal to 2 i cap plus 3 j cap. Plus 3 j cap. Plus k cap. Okay. क्या चाहिए? Angular momentum. Angular momentum. ये linear momentum में ये आ रहा है। मैंने आपको properties में बताया हुआ। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। दो क्रॉस प्रोडक्ट याद रखना आप लोग, जिन्होंने नहीं अटेंड किया हुआ वो भी नोट कर ले। एक तो टॉर्क होता है आर क्रॉस फोर्स। आर क्या होता है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ये होता है पोजिशन वैक्टर आर। अगर फोर्स और आर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो टॉर्क आता है। क्या आता है? टॉर्क। और अगर मोमेंटम, ये मोमेंटम है, मोमेंटम और आर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम आता है। तो एक्चुअल में अब मुझे क्या करना है बेटा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ डिटर्मिनेंट मेथड, सबको बताइए डिटर्मिनेंट मेथड। यस सर। पहले आपके पास आर है तो आर लेना है, बाद में आपने पी लेना है। तो इसका आंसर सबका आ गया होगा, फिर भी मैच कर लो। इसको मैं लिखूंगा आर क्रॉस पी आई जे के। आर के पास ना तो आई है, सिर्फ जे है, और पी के पास 2 3 1। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आई कैप को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर माइनस जे कैप, ये रो ये कॉलम 0, ये सब तो करना आता तो मैं फटाफट कर रहा हूँ। अब ये मत पूछना कि ये कहाँ से आया, इसके ऊपर आपने काफी टाइम लगाया हुआ है। 4 आई कैप, इसको छोड़ दो 0 है, और माइनस माइनस के कैप। यस सर, ये
फर्स्ट ऑप्शन आ गया इसका पी। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। आर्यन आपको? यस सर। आर्यन? यस सर। ओके वेरी गुड। वीडियो बाद में वीडियो देख के भी आप कर लेना होता है ये कंपल्सरी। क्या बेटा? हमें रेडियस को ही पहले कंसीडर। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मूले में पहले रेडियस ही आता है। रेडियस नहीं बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पहले इसको लेना है फिर इसको लेना है। टॉर्क में भी ऐसे ही करना है। टॉर्क में भी पहले आर को लेना है फिर एफ को लेना है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी ले सकते हो, उसमें तो लेना ही नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट में तो सीधा मल्टीप्लाई करना होता। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ध्यान रखना है पहले किसको लेना है। पहले आपको पोजीशन वेक्टर को ही लेना है दोनों में, नहीं तो नेगेटिव का फर्क आ जाएगा। अगर आपने उल्टा लिया ना तो आंसर में ये माइनस फोर आई प्लस एट के कैप आएगा, विच इज रॉन्ग आंसर, विच इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। 10 फोर्स ऑफ, फोर्स दिया हुआ है कितना? 10 एन आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है आगे? यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट एक्स आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के। ओके आगे। दो पोजीशन दे रखे सर, उनकी पोजीशन दे रखे सर। ठहरो, दो पोजीशन दी हो गई। पोजीशन बताओ कितनी है? पहली पोजीशन आई कैप माइनस 5 जे कैप, नहीं प्लस प्लस सर, माइनस या प्लस सर? 6 आई कैप है। बेटा क्या बोल रहे हो यार, एक एक बच्चा बोलो। आई कैप माइनस 5 जे कैप सर। 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये पहली पोजीशन है? यस सर। 6, मैं दोबारा लिखता हूँ, 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप आगे माइनस 3 के कैप। ओके दूसरी पोजीशन बोलो सर। 10 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपने, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, मैंने बताया हुआ आपको। यस सर। 10 आई कैप में से 6 आई कैप जाएगा तो बनेगा 4 आई कैप, माइनस 2 जे में से माइनस, ये माइनस का बन जाएगा 7 जे कैप, और ये कितना बन जाएगा? 10 के कैप। ये सही है ना? वर्क डन निकालना, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट कर दो। ये बनेगा 40 प्लस सर 4 के कैप नहीं आएगा सर। 4 के कैप क्यों आएगा बेटा? प्लस माइनस, माइनस कर रहे हो ना आप? सॉरी सर। तो ये कितना आएगा? 60 यहाँ पर आ गया। तो मेरा ये आंसर बनना चाहिए 121। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर, सेकंड डी। बेटा जब आप इनिशियल पोजीशन पे होते हो ना और फाइनल, तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको फाइनल पोजीशन में से इनिशियल वेक्टर को माइनस करना होता है। उल्टा मत करना, फिर आंसर में फर्क आएगा। फाइनल जहां से आप चले और जहां आप पहुंचे, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास एक वेक्टर बनेगा ये। तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मेरा आंसर ये आएगा। टेन के बाद 11। सो फोर्स इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप न्यूटन डिस्प्लेसेस 2 आई कैप 0 के जे कैप प्लस 2 के कैप मीटर टाइम 16 सेकंड फाइंड पावर डेवलप्ड। सर 2 आई कैप 2 जे कैप या 2 के कैप? सर 2 के कैप। तो मतलब जे कैप 0 होगा ना? ओके टाइम कितना है? 16 सेकंड। क्या निकालना है? पावर।
पावर के लिए मैंने आपको बताया था फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है पावर, और वेलोसिटी आपका कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये बनेगा 2/16 आई कैप 0 जे कैप 2/16 के कैप, ये अपने पास बन गया। सर जीरो के कैप नहीं आएगा? क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे बेटा? के कैप जीरो है डिस्प्लेसमेंट में। बेटा यहाँ मुझे 2 के कैप लिखवाया आपने। सर 2 के कैप ही है। जे कैप जीरो है ना बेटा? ये जीरो है, ये जीरो है। अब आप डॉट प्रोडक्ट कर लो वेलोसिटी का फोर्स के साथ तो पावर आ जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/8 से, 1/4, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, ये 0 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, ये भी 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 1/4। देखना कोई ऑप्शन है क्या? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ऑन वेक्टर क्यू इज, बेटा इसकी थोड़ा सा कंसेप्ट नोट करो, मैंने अभी आपके ग्रुप में भी भेजा है फॉर्मूला, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको। किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे ये एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, इसकी जो शैडो पड़ रही है ना इसके ऊपर, शैडो ये वाली जिसको मैं अब डार्क कर रहा हूं, जितना हिस्सा मैं डार्क कर रहा हूं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हुआ, ये वाला हिस्सा यहां से लेके, इसको कोई भी नाम दे दो, ये जो ओपी आया ना मेरे पास, ये आया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए बड़ा हुआ तो ओवर एक्सटेंड हो जाएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जैस्मिन पूछ रही है कि अगर ए बड़ा हो और बी छोटा हो तो प्रोजेक्शन बड़ी हो जाएगी। प्रोजेक्शन तो ए की लेनी है आपको, तो फिर यहाँ प्रोजेक्शन यहाँ तक हो जाएगी। यस और नो? यस सर। अगर ये एंगल थीटा हो, आपने पढ़ा ना एक कंपोनेंट क्या बनता है, वो बनता है ए कॉस थीटा, तो प्रोजेक्शन किसके इक्वल होगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ऐसे निकालते हो ना आप ट्रायंगल लॉ से। तो मेरे पास प्रोजेक्शन क्या बनी, ए कॉस थीटा। अगर तो ये ऑप्शन है तो ये आंसर कर देना, ये ऑप्शन है नहीं वैसे, नहीं तो फिर आप एक काम करो, अपनी तरफ से बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, उससे ये डॉट प्रोडक्ट बन जाता है ऊपर वाला ए डॉट बी। तो या फिर ऑप्शन आपको ऐसे दिया होगा, यस सर पी डॉट क्यू, ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड, हो सकता है आपको ये ऑप्शन भी ना दिया हो, लेकिन अगर ये ऑप्शन दिया हो तो ये भी आपका आंसर है, मैं जितने आंसर बन सकते हैं बता रहा हूँ। या फिर आपको देगा, हमें पता है बी बाय बी मैग्नीट्यूड क्या होता है, बी कैप, तो या फिर आपको ये दिया होगा, शायद ये ऑप्शन दिया होगा सर, सेकंड है सर। हाँ ये तीसरा आंसर है, प्रोजेक्शन के आंसर ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन में नहीं था, ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन में नहीं है, ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन के अंदर है, तो इसको टिक कर दो। सर फर्स्ट वाले को सर बताना सर, फर्स्ट वाला कौन सा, ये? यस सर ये। बेटा ये वाली लेंथ कितनी है, ए? यस। आपको आपको निकालनी क्या है, ओपी। तो आप इस ट्रायंगल में देखो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, बेस बाय दिस लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए। ए तो मेरे पास ये वाला ओपी मैंने बनाया, इसको ओपी किसके इक्वल हो गया, ए कॉस थीटा, समझ में आ गया? यस सर। इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब कभी न्यूमेरिकल भी आए ना प्रोजेक्शन का, तो आप चाहे तो ये लगा दो, ए वेक्टर का बी के ऊपर, बी का कैप निकाल के ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो,
या दोनों के डॉट प्रोडक्ट को बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। चलो एक सम लेते हैं, आगे शायद कोई सम आए भी, लेकिन फिर भी मैं एक सम लेता हूँ। एक वेक्टर है टू आई कैप टू जे कैप प्लस के कैप, एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मुझे निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जिसके ऊपर निकालना है वो डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अगर बी ऑन ए निकालेंगे तो नीचे ए आ जाएगा, तो इसका पहले डॉट प्रोडक्ट चेक कर लो क्या है। इसका डॉट प्रोडक्ट बन गया 2 + 2 + 1 = 5, और बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो वो बन रहा है √3, तो मेरा आंसर आ गया 5/√3। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इज इट क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ो, नंबर कौन सा है? 13 क्वेश्चन नंबर। इफ वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू 0 एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू 1 देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा, ये आपको 1 दे दिया, और डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, ये आपको 0 दे दिया, जिससे कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ गई और थीटा कितना आ गया 90। थीटा 90 है तो ए बी साइन 91 होता है। देखना ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपको, perpendicular unit vectors, parallel unit vectors, और c सिर्फ parallel sir, और d अकेला perpendicular। नहीं मुझे क्वेश्चन नहीं क्लियर है। और आपसे क्या पूछा गया, a डॉट b 0 दे दिया, यस सर, b 1 दे दिया, फिर क्या पूछा गया वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सर पूछा है, perpendicular unit vectors हैं, parallel unit vectors हैं, या सिर्फ parallel हैं और perpendicular हैं। देखो हमारा रिजल्ट यहां तक आ गया, अगर तो ए और बी यूनिट वेक्टर होंगे तो भी ये स्टैंड करता है, 1 के इक्वल आ रहा है, यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट 1 ही होता है। परपेंडिकुलर तो ये हो ही गया, यहां से पता चल रहा है ना परपेंडिकुलर हो गया, यस, ए बी के परपेंडिकुलर तो है ही, और ए और बी का प्रोडक्ट भी 1 है, तो ये यूनिट वेक्टर हो भी सकते हैं, नो डाउट। क्या आंसर है इसका? पहला फिर ए ऑप्शन होगा सर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन पढ़ना एक बार बाकी के ऑप्शन, पैरेलल यूनिट वेक्टर्स और सी पैरेलल और डी परपेंडिकुलर। डी परपेंडिकुलर बेटा मैं इसके लिए जाऊंगा, क्योंकि आपको आपका एक पॉसिबिलिटी बनती है ना कि दोनों 1-1 हो, ऐसे भी तो हो सकता है ए 1/2 और बी 2 हो, तब भी तो प्रोडक्ट 1 बन सकता है ना। यस सर। तो आप ये तो श्योर नहीं हो कि ये यूनिट वेक्टर है, तो मैं फर्स्ट के लिए नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ उसी कंडीशन के लिए जाऊंगा जो श्योर है, और वो कंडीशन ये श्योर है, मुझे नहीं पता ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है। ए और बी का मैग्नीट्यूड 1-1 हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है, ए 4 हो जाए बी 1 हो तब भी ये सही है, ए 5 हो जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि यूनिट वेक्टर है, तो मेरे लिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, मैं सिर्फ डी के लिए जाऊंगा, आप आंसर डी कर लो। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो सर। हमें पैरेलल का कैसे पता चलेगा कि ये दोनों वेक्टर? बेटा अगर थीटा 0 होता, अगर थीटा 0 होता तो पता चलता बेटा। ओके सर। ऐसे नहीं पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14। डी टॉर्क 14। टॉर्क ऑफ फोर्स इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू -3i cap + j cap + 5k cap एक्टिंग एट अ पॉइंट इज टी के ऊपर वेक्टर है सर, टी वेक्टर है। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इज 7i cap + 3j cap
प्लस के कैप देन टी वेक्टर इज टॉर्क वेक्टर, पहले आर लेना है फिर एफ लेना, उसी तरह से जैसे आपने पहले किया था वैसे करो। आई जे के लिया पहले आर लेना है 731, उधर से लिया -315। अब इसको सॉल्व कर लो, आई छोड़ा 15 में से 1 गया 14, फिर माइनस जे 35 और 3 38, फिर प्लस के डी ऑप्शन है, हाँ जो भी ऑप्शन बन रहा है वो कर लो, डी बन रहा है क्या, डी कर लो। यस सर डी। 15 given that vector a plus vector b plus vector c is equal to 0, out of three vectors two are equal in magnitudes and the magnitude of third vector is root 2 times that of either of the two having equal magnitude, then the angle between vector are given by, dekho is question mein kya raha hai, a plus b plus c is 0, to ye ek aisa triangle banne wala hai जो कि साइक्लिक है, मतलब सेम ऑर्डर में है, तभी जीरो होता है। अगर तीन वेक्टर का सम जीरो हो ना, तो आपके तीनों वेक्टर उसी जगह पे वापस आएंगे। आपने कल थ्योरी लेक्चर में पॉलीगन लॉ पढ़ा था मेरे से, यस सर। तो जब कोई जगह ही नहीं बचेगी तो भी रिजल्टेंट जीरो होगा ना, अदरवाइज अगर रिजल्टेंट कोई बनता तीन वेक्टर का तो कोई ना कोई तो स्पेस बचता ना जिसको मैं मीट कर, yes, रिजल्टेंट। तो क्योंकि यहाँ पर जीरो आ रहा है इसका मतलब कोई स्पेस बचेगा ही नहीं, तो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। yes, sir. ये राइट एंगल इसलिए लिया मैंने क्योंकि एक एक्स है, दूसरा एक्स है, तीसरा उसने कहा रूट एक्स है, तो ये तो राइट एंगल नहीं हो सकता। yes. राइट एंगल में हो सकता है ना, yes. Yes. एंगल 45 बनेगा क्योंकि दोनों साइड बराबर है। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन के साथ इस वेक्टर का एंगल तो बनता है 90, इस वेक्टर की डायरेक्शन के साथ इस वेक्टर का एंगल बनता है 135, और इस वेक्टर की डायरेक्शन के साथ इस वेक्टर का एंगल बनता है 135, तो मेरे एंगल आएंगे 90 135 135। एंगल हमेशा डायरेक्शन के साथ बनाने हैं, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ऐसे नहीं कि कुछ बच्चे कहते सर ये क्यों नहीं, ये बनेगा ही नहीं, इसकी डायरेक्शन बाहर जा रही है, तो बाहर वाला एंगल लेना। अगर ये 45 है तो ये कितना बनेगा 135, वैसे भी तीनों एंगल का सम 360 बनना चाहिए, आउटर एंगल का सम 360 बनना चाहिए, तो ये आपके तीन आंसर बन गया। क्या ऑप्शन मिल गया आपको? यस सर मिल गया सर। यस सर सेकंड ऑप्शन समझ भी आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 16 पे आओ बेटा। The magnitude of the vectors product of two vectors is root 3 times their scalar product. The angle between the two vectors is scalar होता है dot product. आगे क्या बोला बेटा आपने? Sir, the angle between the two vectors is okay. आसान है बेटा। ये तो बनेगा AB sin theta. और ये बनेगा ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी कट जाएगा, टेंजेंट थीटा रूट 3, और ये रूट 3 कब होता है 60 डिग्री, ये रूट 3 कब होता है 60 डिग्री। सर ये टेंजेंट थीटा क्यों है सर? इधर साइन है ना? यस, और इधर कॉस है, साइन बाय कॉस क्या होता है? ओके सर, टेंजेंट थीटा। अब समझ में आ गया? यस सर आ गया। 17 क्वेश्चन बेटा। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वेक्टर बी। ये तो आसान है, चाहे आप इसको डॉट पर। यस सर। यस सर। ये निकाल लिया सबने, क्या आंसर आया इसका? सर आ गया कोस इनवर्स
25/29 यस सर सी ऑप्शन ऑप्शन बता दो फिर इसका क्या आंसर सी ऑप्शन सी ऑप्शन सर सी ऑप्शन आसान था सी है कर लेना 18 चलो अ वेक्टर ए वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी वेक्टर पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए ए एंड बी होगा यस सर ए एंड बी इज सर ऑप्शन देखो पहले समझे दो ये इधर नॉर्थ ले लो इसको साउथ मान लो ये ईस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया ये वर्टिकली अप हो गया एक वेक्टर आपको दे दिया वर्टिकली अप और एक वेक्टर आपको किधर दे दिया बेटा नॉर्थ की तरफ ऐसे ही है ना बच्चे yes, sir. अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप अपने हाथों को ना घुमा के देखो ए से बी और थंब देखो किधर जा रहा है वेस्ट की तरफ जा रहा हो ऊपर ए तो ऊपर है बी आपके नॉर्थ में है ए से बी को आप राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ और थंब की डायरेक्शन इधर आएगी चेक करो थंब सर वेस्ट में थंब आपका वेस्ट की तरफ आ रहा होगा आ रहा है ना सर यस सर अपनी फिंगर को ए से बी की तरफ कर्ल करो तो थंब जो होगा वो आपका वेस्ट की तरफ होगा इसके ऑप्शन ऐसी है क्या ईस्ट वेस्ट वगैरह सर हाँ यस सर ऐसी अलोंग ईस्ट अलोंग वेस्ट है सर अलोंग वेस्ट कर लो बेटा ए ऊपर है ना आप जिस कॉपी पे काम कर रहे हो एक ऊपर की तरफ है बी को दो पेन रख लो बी कर लो नॉर्थ की तरफ फिर अपनी फिंगर को ऊपर वाले से नीचे की तरफ घुमाओ और थंब देखो किधर जा रहा है थंब आपका वेस्ट की तरफ जा रहा हो ये आपका थंब इधर जाएगा या स्क्रू रूल भी समझ लो ए से बी की तरफ स्क्रू को घुमाते हैं ना स्क्रू तो स्क्रू किधर जाएगा अंदर की तरफ जाएगा इधर को अगर आपके पास कोई स्क्रू हो आप उसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ क्लॉकवाइज तो वो अंदर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बाहर आएगा अंदर की तरफ देखोगे यहां से इसके अंदर तो आपको वेस्ट नजर आएगा अगर बी क्रॉस ए करते तो बाहर की तरफ इधर आता तो आंसर ईस्ट लॉन्ग ईस्ट तो आंसर इज वेस्ट सर एक बार स्क्रू रूल फिर से बताना स्क्रू होता है बेटा जैसे ये एक वेक्टर है ए ये एक वेक्टर है बी ए से लेके बी की तरफ स्क्रू को घुमाओ तो ये क्लॉकवाइज है ना ए से बी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अगर आपके पास कोई स्क्रू है पेज पड़ा उसको घुमा के देखो वो अंदर की तरफ जाए और इसके अंदर वेस्ट है इसको स्क्रू रूल बोलते हैं एक और आसान तरीका बताता हूं अगर आपकी फिंगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो क्लॉक घर के अंदर लगाते हो ना आप तो अंदर की तरफ आपका डायरेक्शन जाएगी अगर आपकी फिंगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो आंटी को घर से बाहर कर दो आउट करो उसको आंटी आउट आउटवर्ड अब यहां पर क्या था अपवर्ड और नॉर्थ था ए से बी तो इसको मैं घुमाऊंगा तो इधर से देखने पर क्लॉकवाइज दिखेगा आपको क्लॉक अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर वेस्ट है तो इतना याद रखो क्लॉक इन एंटी आउट एंटी एंटी मतलब एंटी को एंटी बना लो एंटी आउट उससे आप डायरेक्शन बता सकते हो होप कुछ क्लियर हुआ होगा यस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थ्री वेक्टर्स ए बी नंबर नंबर 19 क्वेश्चन बोलो थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी सेटिस्फाई द रिलेशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए सी इज इक्वल टू जीरो इफ बी बोला आपने पहले क्या बोला डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज जीरो यस सर 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 फिर ए सी का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है सर ए डॉट सी है ना यस सर ये भी जीरो है ओके
If vector B and vector C are not lying in the same plane, then vector A is parallel to. Vector A किसके parallel होगा? Yes. अगर vector B and C are not in same plane, यही है ना? तो vector A किसके parallel होगा? पहले तो आप ये देखो कि dot product zero का मतलब क्या हुआ? A is perpendicular to B. Perpendicular to B. Similarly, A is perpendicular to C. अब A किसके पैरेलल होगा? A और B और C आपको उसने क्या कहा? एक प्लेन पे नहीं है. तो आप ये मान लो कि A x एक्सिस की तरफ है, B y एक्सिस की तरफ है और C z एक्सिस की तरफ है. तो वेक्टर A किसके पैरेलल होगा? अगर मैं B क्रॉस C करता हूं ना, B क्रॉस C भी तो इधर ही आएगा, इधर या इधर. तो ऑप्शन देखना, वेक्टर A इज पैरेलल टू B क्रॉस C, ऐसा ऑप्शन है क्या कोई? बेटा ऑप्शन बताओ. यस सर. नो सर. नो, ऐसा ऑप्शन नहीं है कोई? सर है. सर C ऑप्शन. सी ऑप्शन क्या है? यही होगा बेटा. सर बी क्रॉस सी है. यस सर. पैरेलल टू बी क्रॉस सी क्यों हुआ? देखो तीनों नॉन कोप्लेनर है और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं. यहां से पता चल गया ना, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए इज परपेंडिकुलर टू सी, तो बी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू सी. तो तीनों परपेंडिकुलर है, तो मैंने तीनों एक्सिस बना दी. अब ए किसके पैरेलल होगा? हमें पता है बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, बी के भी और सी के भी. तो ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी. ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी. समझ में आ गई ये बात? यस सर. यस यस. क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो. फोर्स ऑफ 7 आई कैप प्लस 6 के कैप न्यूटन मेक्स अ body move on a rough plane with a velocity of 3j cap plus 4k cap meter per second. Calculate the power in watt. हो जाएगा बेटा dot product से? Yes. Yes sir. Yes sir. Power निकालोगे तो ये j cap है क्या, i cap है? 3j cap. और इधर i cap है, इसका मतलब j नहीं है यहाँ पे और इधर i भी नहीं है, तो फिर k के को multiply कर दो. 24. क्योंकि इसको इसको लिखोगे 7 आई कैप 0 जे कैप 6 के कैप, उसको लिखोगे 0 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप. ये 0 हो गया प्रोडक्ट में, सिर्फ बचेगा क्या 24. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप एंड आई कैप? आई कैप. तो इजी है ये तो सर. ये तो मैंने आपको डायरेक्शन को साइन से भी बताया हुआ. आई मतलब एक्स एक्सिस. कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो. ए कैप को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. इसका मैग्नीट्यूड 3 आने वाला है. 1/3 आई कैप, 2/3 जे कैप, 2/3 के कैप. ये होता है कॉस अल्फा एक्स एक्सिस के साथ. तो देखो आपका आंसर क्या है इसका. सर नन ऑफ दीज ही आएगा. नन ऑफ दीज, कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो नन ऑफ दीज. आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 22. इफ ए इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? दोबारा पढ़ो. इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू Yes, sir. Vector B. Okay. And which of the following is not correct? Early statement padho. A cap is equal to B cap. Ye bhi cross product. Dusri. Sir, cross product of A cap plus B cap is equal to AB. फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के इक्वल. ए ए बी कैप
पैरेलल है सर बी ए कैप के सर। इनके बीच में कोई डॉट या क्रॉस है क्या? नो सर कुछ नहीं है सर। ए बी कैप पैरेलल है बी ए कैप के, देखो ये सही है, ये भी सही है क्योंकि पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना होता है? जीरो। और यहाँ वेक्टर ए है या ए कैप है ये बता दो मुझे। सर ए कैप है और सर डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है बी कैप का? यस सर डॉट प्रोडक्ट है सर। ये रॉन्ग हो गया बेटा, ये रॉन्ग हो गया, ये सही है। हाँ यहाँ पर जीरो आएगा ना, थीटा इसमें क्या हो गया? जीरो। जीरो क्यों आएगा बेटा? ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है तो वन इंटू कॉस जीरो, यहाँ वन आएगा। मेरा बी आंसर रॉन्ग है बेटा, उसने पूछा कौन सा रॉन्ग होगा, बी रॉन्ग होगा। ये सही है, ये इक्वल है तो लास्ट ऑप्शन समझाना। लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ए मैग्नीट्यूड, बी की डायरेक्शन, ए और बी दोनों पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है, तो इसका मतलब जो वेक्टर बना इधर से बी और ए की डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन तो सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है। समझ आ गया ये? यस सर। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं ना, दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, इनका प्रोडक्ट आगे पीछे हो जाए रहेगा तो सेम ही। तो अपना बी आंसर रॉन्ग है बेटा इसमें। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 23। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस k cap will be perpendicular to b, b vector b is equal to 4 i cap minus 2 j cap minus i k cap minus k cap minus k cap। ये तो आसान ही है बेटा, perpendicular है तो dot product zero कर दो, h इसको इससे किया minus 2a इसको इससे किया minus 1 equal to zero, तो ये 7 टू यार आंसर ढूंढो 7/2। सर नहीं आंसर ऐसा। ऑप्शंस क्या है बोलो? ए ऑप्शन है 4 फिर 0 फिर 3 फिर 1 फिर यस सर 7/2 यार सर 1। सही कर लो, ये आंसर होगा। रॉन्ग है इसके चारों ऑप्शन 3.5। हां अपनी तरफ से ये वाला आंसर कर लो बेटा, कोई माइनस प्लस का फर्क है यहां पर। इसने कौन सा आंसर, इसमें 4 ऑप्शन है ना, फोर ऑप्शन तभी होगा अगर यहाँ, चलो छोड़ो इसका आंसर 7/2 कर लो। अगर 2 के कैप करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्या करेंगे 2 के करेंगे जब? यस सर। हाँ तो फिर या तो उसको 2 के कर लो या अपना आंसर 7/2 कर लो, जो आपको ठीक लगता हो। लास्ट 2 क्वेश्चन 25 तक डाउट लेंगे बता। The sum of two vectors, vector A and vector B, is at right angles. Their differences, then option are perpendicular to each other. देखिए ये पहले भी क्वेश्चन हमने किया होगा, A plus B और A minus B अगर एक दूसरे के perpendicular है तो दोनों vector equal होंगे, option बताना क्या है? Perpendicular. A option, sir A is equal to B. A is equal to 2B, B is equal to 2A, vector A and vector B have the same direction. बेटा ये आंसर आए, क्यों आएगा सुनो, किसी भी पैरेललोग्राम में ना अगर मेरे पास A वेक्टर हो B वेक्टर हो उसका ये डायगोनल होता है A plus B resultant, लेकिन ये वाला जो डायगनल है ना बीच वाला छोटे वाला, ये वाला डायगनल तो होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये वाला जो डायगनल होता है छोटे वाला ये होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी,
अब ये दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे? परपेंडिकुलर ये तभी होंगे जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे और ये एक स्केयर बनाएंगे, स्केयर, रोम्बस नहीं, ना ही रेक्टेंगल। जब ये एक स्केयर बनाएंगे तो ये दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं इक्वल और 90। सर रोम्बस क्यों नहीं हो सकता? रोम्बस नहीं होगा बेटा, रोम्बस के अंदर साइड्स तो बराबर होंगी बट ये डायगोनल की जो लेंथ है ना ये सेम नहीं होगी। बाइसेक्ट तो करेंगे बट ये एंगल 90 नहीं बनेगा। ओके सर, तो इसका मतलब ये स्केयर ही होगा और स्केयर में दोनों साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो आपका आंसर क्या आएगा? ए इक्वल टू बी, ए प्लस बी परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी ओनली इन केस ऑफ स्केयर। और स्केयर में दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया? यस सर। तो फिर से बता दो बेटा, मैंने ये कहा है कि जो पैरेललोग्राम के अंदर बड़ा डायगोनल होता है ये दोनों के बीच में से, वो तो ए प्लस बी होता है, दूसरा डायगोनल होता है ए माइनस बी। ऐसा क्यों? अगर आप बी को नेगेटिव करेंगे ना तो ये ए माइनस बी बनेगा। ये दोनों बराबर है, बिल्कुल सेम साइज के हैं और सेम डायरेक्शन में। इसने कहा है कि ए प्लस बी परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी, वो किस केस में होगा? वो सिर्फ स्केयर के केस में होगा, रोम्बस में भी नहीं होगा, रिक्टेंगल में भी। रिक्टेंगल में बाइसेक्ट तो करेंगे बट ये एंगल 90 नहीं बनता। ये किस में बनता है? ओनली इन केस ऑफ स्केयर। और स्केयर में दोनों साइड्स बराबर होती है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। क्या इतना समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन 25 पढ़ो। A point of application of a force F vector is equal to 5 I cap minus 4 J cap plus 2 K cap is moved from R vector is equal to 2 I cap plus 7 J cap plus 4 K cap to position vector 2 is equal to minus 5 I cap plus 2 J cap plus 3 K cap, then work done is? सेम क्वेश्चन किया अभी आपने थोड़ी देर। यस सर। यस सर। इसको खुद ट्राई करो, अपना आंसर मैच करो। सर आंसर उसमें सर सर आर वन पहले ले लेना सर, माइनस पे जब करेंगे। आर वन से मूव कर रहे हो आर टू, तो आर टू माइनस आर वन लेना है, फाइनल माइनस। ओके सर। इनिशियल इसमें आंसर आ ही नहीं रहा, ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहा, मैं चेक कर लेता हूँ। ये माइनस फाइव आई कैप है, ये टू आई कैप है, माइनस माइनस सेवन, ये 2j कैप था ना, चेक करना, ये 2j कैप था दूसरे वाला, 2j कैप है सर। ये माइनस का 5j कैप और ये बनेगा माइनस का k कैप। अब माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 35, माइनस 5 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 को इससे किया, माइनस का 2, तो ये मेरे पास बनेगा 30, माइनस 17 बन रहा है बेटा। यस सर, पर आंसर नहीं है। ये कर लो आंसर को। कैसे होगी शीट? ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं, उसको रीट्राई करो, फिर मैं उसके सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा सॉल्व करके। तो जितने ठीक हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना कि सर हमारे इतने ऑलरेडी ठीक थे, आउट ऑफ 25 आपके कितने करेक्ट थे वो मुझे आप सेंड कर देना। दिस इज ऑल फॉर द डे एज वेल एज टिल योर वेकेशन। आराम से अपना, जो बच्चे जिनका बैकअप है उनकी क्लासेस के टाइमिंग में डाल दूंगा, जो रेगुलर बैच वाले थे बच्चे उनको हमने 3-4 दिन की हॉलीडेज दी हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करो, अपना पेंडिंग वर्क पूरा कर लो, किसी के नोट्स बचे हैं नोट्स पूरे कर लो, कोई होमवर्क चाहिए तो मैं होमवर्क भेज दूंगा, नहीं तो अपना पेंडिंग वर्क पूरा कर लो। हॉलीडेज का मतलब यही होता है कि आप घर पे अपना बैकअप जो पेंडिंग वर्क है उसको पूरा कर लो। अगर हॉलीडेज देख के मुझे इतना सारा वर्क देना है तो फिर आपकी हॉलीडेज तो हुई नहीं ना। मेरी तरफ से नो वर्क, बस आप अपने नोट्स कंप्लीट करो। थैंक यू।
ओके सर, बाय सर।